गुड मॉर्निंग, जय गुरुजी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू। तो आज है 3 जुलाई और आज है गुरु पूर्णिमा, बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। वैसे तो आज जो व्लॉग मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो कुछ दिन पुराना व्लॉग है, लेकिन क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा थी और सुबह मैं प्रसाद बना रही थी घर में गुरु जी के लिए, तो मैंने सोचा चलो गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरु पूर्णिमा का कुछ क्लिप तो व्लॉग का डाल ही देती हूँ। वैसे आज मैं पूरा दिन भी व्लॉगिंग करने ही वाली हूँ। तो बस सुबह मैं मोहित को भेज चुकी हूँ ऑफिस और पार्थ गया है स्कूल, उसकी वेकेशंस ओवर हो गई हैं, तो इसलिए सुबह का नाश्ता लंच सब बन चुका है, घर की सफाई हो चुकी है। उसके बाद मैंने नहा धोकर यहाँ पर प्रसाद बनाना शुरू किया है। गुरु पूर्णिमा पे ज़रूर प्रसाद बनता है और सबको भोग लगता है घर पे, सभी देवी देवताओं को, अन्नपूर्णा माता को और हमारे गुरुजी महाराज को। तो ये मैं बना रही हूँ आटे का हलवा कड़ा प्रसाद, जिसकी रेसिपी मैंने कई बार अपने ब्लॉग्स में दिखाई है, इस बार मैं फिर से दिखा रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से देसी घी में आटे को अच्छे से भून कर ब्राउन कर लीजिए और उसके अंदर आप चीनी डालिए अपने हिसाब से, गर्म पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो कड़ा प्रसाद बहुत बढ़िया बनेगा। और इलायची पाउडर और किशमिश का मैंने इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, और बढ़िया सा कड़ा प्रसाद तैयार हो गया है। तो चलिए भोग लगाते हैं मंदिर में। तो अब जो ये हलवा जो है ये प्रसाद बन चुका है और इसको मैं कुछ हिस्सों में रख दूंगी। साथ में मैं एक डेरी मिल्क चॉकलेट भी रख रही हूँ, क्योंकि जितने भी हाउस हेल्प्स और गार्ड वगैरह हमारे आसपास होते हैं उनको मैं ज़रूर चाहती हूँ कि उनके मुंह में ऐसे दिन पर प्रसाद ज़रूर लगे और कहीं जाए या ना जाए, तो बस वही मैंने किया है। और इस गुरु पूर्णिमा के दिन मेरी गुरु जी से यही अरदास है कि वो आप सबको भी ब्लेस करें, आपके घर में भी खूब खुशियाँ लाएं, सारी नेगेटिविटी आपकी लाइफ से दूर हो, आपकी मुश्किलें हल हों, आपको मन की सुख शांति मिले और आप सब अपने परिवार के साथ प्यार से खुशी खुशी रहें। वंस अगेन हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल द गुरुज ऑफ आर लाइफ। हमारे सबसे पहले गुरु होते हैं हमारे माता पिता, उसके बाद जिनसे हम कुछ भी सीखते हों जिंदगी में वो भी हमारे गुरु हैं। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय गुरु जी, कैसे हैं आप सब। तो सुबह सुबह किचन में हूँ मैं एज यूजुअल, आपके मोहित जीजू के लिए बना रही हूँ उनका ब्रेकफास्ट और लंच बॉक्स। तो ब्रेकफास्ट में मैंने सैंडविचेस बनाए हैं आज, इसके अंदर है टोफू और कुकुम्बर, तो ये दो सैंडविचेस हो गए। और लंच के लिए मैंने चढ़ा रखी है दाल मखनी, जिसके साथ मैंने आटा निकाल लिया, अभी चपाती बनाऊंगी। तो बस मैं उनके सैंडविचेस पैक करने लगी थी, आपको मिलती हूँ आपके जीजू को टिफ़िन देने के बाद। टाइम फॉर मसाला परांठा। हेलो जी फ्रेंड्स, मम्मी पापा की थाली तैयार हो गई हैं और आप सबकी तसल्ली के लिए 3 पराठों में से मैं एक की चुटकी काट के रख रही हूँ ताकि ये 3 ना हो, ठीक है जी। जय गुरु जी, जय अन्नपूर्णा माता की। सो फ्रेंड्स, ये देखो, ये है हमारी चुटकी रोटी विद घर का वाइट मक्खन। ये मैंने देखी थी इंस्टाग्राम पे, तो पार्थ ने बोला मम्मी नाश्ते में ट्राई करेंगे। पार्थ देख, चुटकी तंदूरी रोटी विद वाइट मक्खन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खा के देख कैसी लगती है। खा ले आराम से, ठीक है। और ला रही हूँ मैं एक। हाँ उधर आ जा। फ्रेंड्स, टाइम फॉर माय योगा क्लास, मैट इज ऑन द फ्लोर। तो योगा करने के बाद आपको अच्छे मिलते हैं।
ठीक है। आज मैंने मकबैंग भी शूट करना है और आज मैं शूट करने वाली हूँ एसमीज वेज थाली मकबैंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? जय गुरु जी। जय। दिखा तो दो, तैयार शैर हो गए हो ऑफिस जाने के लिए? ए गाइस, चीजू तैयार हुए हैं आपकी। आज ब्राउनी बने हुए हैं, मफिन विद वेनीला क्रीम। टिफिन पैक हो गया है इनका, गोखरू वाटर पैक हो गया और ये जा रहे हैं। ये लो जी, पूरी लुक देख ली जाए। थू 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 थू। जय गुरु जी। भाई जाके डॉक्टर से बोलती है। क्या नींद में हो क्या? भाई जाके डॉक्टर से बोलती है, हाँ, माय हस्बैंड हैज स्वॉलोड सेरिडॉन, व्हाट शुड आई डू? शुड आई गिव हिम हेडेक? दैट्स इजी। असर हो जाएगा पूरा बराबर। कॉल करनी है जरूरी पड़ी। तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है क्या आज? हाँ, तभी रात को 12 बजे से लाते, सुबह 5 बजे उठा देते। मैंने कहाँ सुलाया 12 बजे, मैं तो खुद तुल रहती हूँ पहले ही। तुम्हारे खराटे की वजह से नींद नहीं आती है। मुक्का मारो ना सुबह सुबह, तुम्हारे खराटे होते हैं, मेरे नहीं। तुम्हारे खराटे की वजह से नींद नहीं आती। गाइस ये झूठ बोल रहे हैं, मैं खराटे नहीं मारती हूँ, बहुत ही कम, थोड़े से कभी कभी जब बहुत थकी होती हूँ यही मारते हैं। इतनी तेज खराटे आते, तुम्हारे बेड पे हिल रहा होता मैं, फिर आते, फिर एक सेकंड ये रुकता, फिर आते ऐसे खराटे। वाइब्रेशन मोड पे रखती हूँ मैं, तो एक बार कम होता ना फिर तेज होते, जब तेज होते तो हिलते हैं। मैं क्या बात भी हिलता है बेड पे टिक टिक। फ्रेंड्स देखो, कोरियर्स इकट्ठे हो गए हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करने हैं। अब मैं पहले एसी जला लूं, रिमोट कहाँ गया है। मैं 2 दिन से वेट कर रही थी कि सारे आ जाएं ऑर्डर्स, और उसके बाद फिर बैठ करके आपको सारा दिखाऊंगी, ठीक है? तो जी शुरू करते हैं, ट्राईपॉड पे लगा लेती हूँ मैं। हाँ जी, शुरू करें फिर। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ ये खाइसू। ये है एसमीज वेज लंच थाली, तो मैंने अपने मकबैंग वीडियो के लिए मंगाई है। बहुत टाइम से बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं असम से, जो कि मुझे कह रही थी एसमीज थाली खाओ, और क्योंकि मैं वेज खाती हूँ तो मुझे ऑनलाइन मकबैंग देखते हुए ही एक वीडियो मिला जिसमें मकबैंगर ने यहाँ से ऑर्डर किया था, तो मैंने भी ऑर्डर किया और 20 दिन लगे हैं इसको आने में। ये रेडी टू ईट है, मतलब बस पाउच ओपन करके, मैंने कुछ ऑर्डर किया था वो आया, तो इसके अंदर इस तरह से पाउचेस हैं गाइस, बस ओपन करो, हीट करो कंटेंट्स और खा लो। और इस एसमीज थाली के अंदर, ये मुझे 459 की पड़ी है विद डिलीवरी चार्ज, 1 to 2 पीपल को सर्व करती है। इसमें है स्टिकी राइस, जैक फ्रूट करी, स्पाइसी जैकफ्रूट करी, कटहल की सब्जी, और ब्लैक राइस खीर है स्वीडिश में, काले चावल की, और आलू पितिका, ये 4 चीज़ें हैं इसके अंदर। तो अब जो मैं नेक्स्ट मकबैंग शूट करूँगी वो इसी का होगा, ठीक है जी। अब फटाफट से ये अनबॉक्स करते हैं। जी सबसे पहले तो ना, ये मैंने एक ट्राईपॉड लिया है जिसका फोल्डेबल स्टैंड है और 360 डिग्री रोटेशन है। मेरे को व्लॉगिंग भी करनी होती है और रेसिपी शूटिंग भी करनी होती है, तो उसके लिए मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो आगे से बेंड हो जाता है ना, वो नॉर्मल ट्राईपॉड्स में इस तरह के फीचर्स नहीं होते। तो ये मैंने लिया है 799 का अमेज़ॉन से, आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये मुझे सच में अच्छा लगा है। पहले मुझे शुरू में समझ नहीं आया था कैसे यूज़ करना है, फिर धीरे धीरे समझ आ गया। तो अगला आइटम खोलते हैं, और ये है देखो, ये मैंने मीशो से मंगाया था जो स्ट्रेनर होता है ना। मेरा मुंह देखो कैसे बन रहा है इसमें। इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और कलर भी बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और चटक सा था, रेड कलर। ये है जैसे चावल नूडल्स कुछ भी आपको स्ट्रेन करने हैं इसमें, तो वो हम अक्सर ऐसे पतीला टेढ़ा करके करते हैं ना, इसलिए मैंने ये मंगाया था। और ये नेक्स्ट आइटम है स्प्लेड। मैंने बताया था आपको जब मैं कसौली गई थी ना ट्रिप पे, तो वहाँ नीना आंटी जो हमारी होस्ट थी, उन्होंने मुझे इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया था। लोग इसको स्पोक भी बोलते हैं, यानी फोक और स्पून का मिक्सचर, लेकिन इसके साइड में नाइफ़ वाली शार्पनेस भी दी हुई है, तो इसमें स्पून का भी काम हो जाता है, फोक का भी और नाइफ़ का भी, और इसको स्प्लेड कहते हैं। ये 6 का सेट लिया है मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर करके, बहुत ही यूटिलिटी वाली चीज़ है, तो किचन में मेरे ऐड हो चुकी है। प्राइस वगैरह आपको मैं सारा लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप वहाँ से प्राइस देख सकते हो। अभी मुझे एक एक चीज़ का प्राइस याद नहीं है। और मीशो से मैंने ये मंगाया था, ये कॉम्बो है, एक तो ये चिमटा है रोटी सेकने वाला,
थोंग बोलते हैं इसको। मेरा पहले वाला चिमटा ना थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो मेरी जो मेड्स फुलके बनाने आती हैं उनको वो थोड़ा ढीला लगता है, तो मैंने कहा चलो उनको एक और चिमटा मंगवा देती हूँ। और साथ में ये है ऑयलिंग करने के लिए ब्रश, और साथ ही ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, छोटा मिनी तंदूर जिसके ऊपर मैं बारबेक्यू कर रही हूँ आजकल चीज़ें। तो ये इस तरह से बस रखो, बैंगन भूनना है, कोई सब्जी भूननी है, आपको कुछ रोस्ट करना है, पनीर टिक्का वगैरह मैंने बनाया था इसी के ऊपर, ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ थी। और दूसरा ये फ्राइंग करते टाइम जो हमको चाहिए होता है स्ट्रेनर, ताकि हम आराम से पीसेस उठा लें, ये मेरे पास था पहले लेकिन पता नहीं वो कहाँ चला गया है, मिल भी नहीं रहा मुझे, तो मैंने कहा बहुत देर से ढूंढ रही हूँ मैं उसको ना, फाइनली मैंने अब ये मंगा लिया है। तो इस पे ना मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जिस टाइम मैं बैठ कर अनबॉक्सिंग कर रही थी ना ड्राइंग रूम में, उस टाइम मेरी मदर इन लॉ फ़ोन पर बात कर रही थी किसी रिलेटिव से, तो मैंने सोचा अगर मैं बोल बोल कर वीडियो शूट करूँगी तो उनको डिस्टर्बेंस होगा, इसलिए मैंने फिर बस इसको शूट कर लिया और सोचा वॉइस ओवर बाद में कर दूँगी, इसीलिए मैं इसमें बोल नहीं रही हूँ, बस एक्सप्रेशंस दे रही हूँ। और ये देखो कितने क्यूट ग्लासेस हैं, वाइन ग्लासेस का सेट, ये भी मेरा मन था लेने का, ये भी मैंने मीशो से ऑर्डर किया है, बहुत अच्छी क्वालिटी निकली है इनकी और बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, और आप मेरे मकबैंग वीडियोज़ में देख भी रहे हो इसको, काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ 2-3 वीडियोज़ में, तो बहुत अच्छे ये दो ग्लासेस इकट्ठे आए हैं। चीयर्स करके दिखा रही हूँ मैं इसमें खुश भी थी मैं कि चीयर्स करते करते टूट ना जाए कहीं मुझसे। ओके, अगला है ये बेड कवर सेट जो मैंने अपना सिंगल बेड के लिए मंगवाया है, मेरे बेडरूम में डबल बेड के साथ जो सिंगल बेड है जिसपे मैं सोती हूँ, ये सोलिमो बाय अमेज़ॉन है ब्रांड, तो बहुत ही अच्छा फैब्रिक निकला है इसका, मैं आपको इस वीडियो के व्लॉग के एंड में बिछा हुआ भी दिखाऊंगी, एक साथ में पिलो कवर है और एक सिंगल बेड की बेडशीट है, और प्लेन रॉयल ब्लू सा कलर है, बहुत अच्छा है मेरे बेड के लिए मैंने सोचा था एक मंगाती हूँ, पसंद आए तो और शेड्स भी मंगा लूँगी, अब कितना कुछ हो गया देख लो जो मंगाया हुआ है। तो जी हॉल के बाद देख लो खलारा कितना बढ़िया है, ये सारा खलेरा समेट के सारी चीज़ों के शॉर्ट्स मैंने आपको दिखा दिए होंगे अभी तक, क्योंकि जैसे जैसे मैं इनको यूज़ करूँगी इनके शॉर्ट्स लेते रहूँगी ताकि आपको दिखा दूँ वो चीज़ कैसी लग रही है यूज़ करने में, ठीक है जी। और सारे बाइंग लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी छोड़ दूँगी और कॉमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूँगी। हाय रब्बा मेरे, तो ये ना मैं नूडल्स छान रही थी तो मैंने इसको यूज़ किया, मैंने सोचा मैं क्लिप बना देती हूँ इसका, आपको दिख जाएगा कैसे इस्तेमाल हो रहा है ये। इसका कलर बस मुझे थोड़ा ऐसा लगा, और प्लास्टिक की ना क्वालिटी हाथ लगा के पता चलता है कि बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन ठीक है काम हो रहा है मेरा। तो इसमें मैंने नूडल्स वॉश किया, और देखो आप आगे जो छाननी सी बनी हुई है ना वहाँ से अपने आप सारा पानी गिर जाता है, आपको बहुत ज़्यादा टेढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका जो आइटम है वही नीचे गिर जाए, तो यूज़फुल तो है किचन के लिए। कोई नहीं, मैं धीरे धीरे इसमें एडजस्ट हो जाऊँगी, अब बना लेती हूँ नूडल्स। हेलो जी, बन रहे हैं इवनिंग स्नैक में नूडल्स, फिर से वेजीज डाल के, अनियन कैप्सिकम बेल पेपर, और नूडल्स स्ट्रेन करने के लिए आज मैंने ये नया वाला स्ट्रेनर यूज़ किया है मीशो वाला, इसका शॉर्ट भी ले लिया मैंने, मेरे को क्वालिटी अच्छी नहीं लगी है इसकी ना, मतलब प्लास्टिक की क्वालिटी होती है ना इससे थोड़ा सा सस्ते वाला टाइप, इसकी फिनिशिंग ये देख रहे हो आप कैसी है, और ऊपर से रेड कलर मुझे बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रहा है अपनी किचन के लिए, मुझे थोड़ा पेस्टल शेड चाहिए था, बट उसमें था कि मल्टी कलर में से कुछ भी आ जाएगा रैंडम, चूज़ नहीं कर सकते, तो देगा दिया भी तो रेड दिया, चलो कोई नहीं इतना बुरा भी नहीं है, है ना। लो जी फ्रेंड्स, बन गए जी हमारे नूडल्स, तो पार्थ को देती हूँ मैं, तब तक मोहित भी आ जाएंगे, फिर आप रीजू को भी दूंगी, और मैंने वेजीज भी निकाल के रख दी हैं, अभी मेरी हाउस हेल्प आने वाली है वेजिटेबल कटिंग करेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, आओ जी, जय गुरुजी। वो बिल्कुल बिल्कुल सही टाइम पे आए हो जान, गर्मा गर्म नूडल्स बनाए हैं आपके लिए, आटा वेज नूडल्स। 5:20 हुए हैं, कैसे हैं, आपको मीटिंग है? बस मुंह से ही पता चल रहा था मेरे, तुम्हारी सारी मीटिंग है ये क्या बात हुई यार, ऑफिस से आती। हेलो पार, मेरा हाथ आजकल बहुत ज्यादा जलने लग गया है यार, क्या हो गया है, रोज रोज जल जाता है। ये लीजिए सुपुत्र, आपको भी ला के दे रहे हैं सर जी, हम गरम लेके आए। हाँ जी, मिलाइए मम्मी पापा से, पापा तो शायद है नहीं घर पे। क्यों, मैंने तो परोस दिए गरम गरम, हाँ चेंज कर लो। हाँ जी आ गए दोनों, है ना,
मस्त बने ना, सिंपल अनियन बेल पेपर कैप्सिकम बस, सॉसेस का कमाल है सारा। अच्छा, हमारा कहाँ कमाल है, वो तो गुरुजी की कृपा है। सही है बात, हाँ तो बिल्कुल बढ़िया बात है। जय गुरुजी, बहुत टेस्टी है। मैंने देखा है इसमें जब जब मैंने नूडल्स में ब्लैक पेपर डालना मिस किया है ना, वो टेस्ट नहीं आया। हाँ। ब्लैक पेपर से इसमें जो मज़ा आता है ना, वो बहुत सही है। मैंने तो मकबैंग करना है रात को। कहाँ बैठ के बना दीजिए? उस रूम में ही, ये पढ़ पुढ़ के उठ जाएगा। जान कॉल्स ड्राइंग रूम से ले लो तुम, मेरा मकबैंग तो और कहीं भी शूट नहीं हो पाएगा। मकबैंग के टाइम पे कैसे कॉल लेंगे? और तुम्हारी तो इतनी सारी कॉल्स हैं, तुम कह रहे हो कब से कब तक हैं कॉल्स? कब से कब तक हैं? मैं इतनी लेट नहीं कर सकती मकबैंग, फिर मेरे से सोया नहीं जाता खा के। ठीक है, थैंक यू। तो ये मैंने क्लिप ले लिया है, रात को मैंने जब बिछाया था बेडशीट को, ये अराउंड 500 कुछ की थी मुझे जो याद है, काफी अच्छी लग रही है। Oh my God, जीजू, how was the gym, जीजू? बहुत बढ़िया था। That how was the gym? बहुत लेट हो गया है। कामकाजी पुरुष हैं हम दोनों, तो लेट हो जाते हैं। जी, फरमाएंगे आज आप कुछ हमारे लिए, बहुत टाइम से कुछ नहीं बोले हैं आप। हम बोले हैं, गिलहरी जो होती है पेड़ पे चढ़ जाती है, ऊपर एक बंदर बैठा होता है। बंदर कहता है क्या करने आई है? कहती सेब खाने आई हूँ। तो कहता भाई ये तो आम का पेड़ है। गिलहरी कहती ज्यादा पटवारी ना बन, सेब साथ में लाई हूँ। कईयों को आदत होती है ना दूसरे के बर्थडे पे टांग बजाने की। आम के पेड़ पे चढ़ के सेब खाएगी, वेरी गुड। उसकी मर्जी है, आम के पेड़ पे बैठ के सेब खाएगी। पर्सनल चॉइस, यू नो।